नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन ऑन करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अंगूरी रसगुल्ले की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंगूरी रसगुल्ले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है। अंगूरी रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर टोन मिल्क। इसमें कुछ परसेंट तक फैट है, बहुत ज़्यादा फैट वाला मिल्क नहीं लेना है हमें। अब हमें इसे चूल्हे पर चढ़ा देना है उबाल आने के लिए, और जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम हमारा खट्टा पानी बना करके तैयार कर लेते हैं इसे फाड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ लिया है कप। कप में मैं 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून के करीब नींबू का सत ऐड कर दूंगी और 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी। नींबू का सत डिपेंड करता है कि कितना खट्टा है नींबू का सत आपका। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम दूध को भी देख लेते हैं। दूध हमारा उबल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट तक सेट होने देंगे। इसे ढक करके सेट करें ताकि इसके ऊपर में मलाई ना जम पाए। और 2 मिनट बाद हम इसमें हमारा खट्टा वाला पानी, जिसे हमने थोड़ी देर पहले तैयार करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे चलाते जाएंगे। इसे तब तक ऐसा करना है जब तक ये फट नहीं जाता है और इसमें से हरा पानी अलग नहीं हो जाता है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा छेना रेडी हो चुका है। इसमें से हरा पानी अलग हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसे सूती या मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से छान लेंगे और इसे छान लेने के बाद इसमें से जो पानी अलग होता है इससे आप दोबारा छेना फाड़ सकते हैं, या आप रोटी या पूड़ी के लिए डो बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, दाल में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब हम इसे अलग कर लेंगे और हमारा जो छेना है उसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे तब तक धोएं जब तक इसमें से खट्टापन चला नहीं जाता है। छेना हमारा धुल चुका है। अब हमें इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसमें अगर कोई एक्सेस पानी है वो निकल जाए। और इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेने के बाद आप इसकी पोटली बना लें और इसे सिंक के ऊपर टांग दें, या आप इसे छन्नी में ही छोड़ सकते हैं। पर ध्यान रखें कि अगर आप छन्नी में छोड़ रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ ना रखें, क्योंकि हमें इसका पनीर नहीं बनाना है, हमें बस छेना चाहिए और वो भी मॉइस्ट चाहिए। तो 45 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें। 45 मिनट बाद हमारा छेना रेडी हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मसल मसल करके गूंद लेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डो की तरह हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे कम से कम 12 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लें। और अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च या मैदा ऐड करेंगे और फिर इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। 2 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम हमारी चाशनी के लिए तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पतीला लिया है। पतीले में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 कप चीनी, क्योंकि मैंने यहाँ 2 कप चीनी ऐड की है तो मैं यहाँ 10 कप पानी डालूंगी। आप चाहे तो 9.5 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 10 कप ऐड करना, क्योंकि हम 1/2 कप हमारा मैदे वाला घोल भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसे आप चूल्हे पे चढ़ा दें उबाल आने के लिए, और जब तक इसमें उबाल आता है हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मैदे का घोल तैयार कर रही हूँ। 1 चम्मच मैदा लिया है मैंने और 1/2 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी, और ध्यान रखें कि इसमें कोई भी लम्स ना बन पाए। लीजिए, हमारा मैदे का घोल रेडी हो चुका है। अब हम छेने के छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी करेंगे। डो हमारा रेडी है। अब हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स निकालेंगे, क्योंकि हम इस बार अंगूरी रसगुल्ले बना रहे हैं तो हमें छोटे छोटे इसके बॉल्स निकालने हैं।
और इससे जल्दी से हम गोल करते जाएंगे। ध्यान रखें कि आपके रसगुल्ले में कोई भी क्रैक्स यानी कि दरारें नहीं होनी चाहिए, इन्हें अच्छी तरह से गोल कर लें। लीजिए दोस्तों, हमारे रसगुल्ले भी रेडी हो चुके हैं। अब हम चाशनी की तरफ भी देख लेते हैं कि हमारा चाशनी रेडी हुआ या नहीं। चाशनी में लगभग उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मैदे वाला पानी ऐड करेंगे और इसे ढक करके उबाल आने देंगे अच्छी तरह से। चाशनी में जैसे ही अच्छी तरह से उबाल आ जाए, हम हमारा छोटा सा रसगुल्ले का टेस्टर ऐड करेंगे और 2 मिनट तक वेट करेंगे और देखेंगे ये फट रहा है या नहीं। अगर 2 मिनट बाद ये सही सलामत है, मतलब हमारा कॉर्नस्टार्च सही गया है हमारे रसगुल्ले में, अब हम इसमें एक एक करके हमारे रसगुल्ले ऐड करेंगे। इकट्ठा नहीं डालना है हमें, एक करके ऐड करें और थोड़ा वेट करें, फिर दूसरा ऐड करें। ठीक इसी तरह हम सारे के सारे रसगुल्ले चाशनी में ऐड कर देंगे। रसगुल्ले चाशनी में ऐड करने के बाद हमें इसे आधा ढक लेना है और आधा ढकने के बाद हम इसे 7 से 12 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में ध्यान भी देते रहें ताकि ये मत हो जाए कि चाशनी आपकी कम हो गई और नीचे से रसगुल्ला चल गया। लीजिए दोस्तों, 12 मिनट हो चुके हैं, रसगुल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साइज़ में डबल दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसे चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके पास आइस हो तो आप इसे आइस में सीधा डाल सकते हैं। आइस वाले रसगुल्ले मैंने पिछली बार आपसे शेयर किया है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, मैंने आई बटन पर इसका लिंक दे दिया है। आइस में डालने से क्या होता है, रसगुल्ले हमारे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके रेडी हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ मैदे का घोल ऐड किया था रसगुल्ले में। लीजिए दोस्तों, रसगुल्ला हमारा रेडी हो चुका है, पर ये अभी खाने के लिए रेडी नहीं है। आप इसे रूम पर ऐसे ही छोड़ दें ढक करके कम से कम 2 घंटे के लिए, और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए आप इसे फ्रिज में रख दें और 12 घंटे के लिए कम से कम मैच्योर होने दें। और 12 घंटे बाद रसगुल्ला आपका रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेट होने के बाद भी कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और कितना सारा इसने रस पी करके रखा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।